ने पढ़ा था जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके टू पार्ट है मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट मनी मार्केट आर रेगुलेट करता है एंड कैपिटल मार्केट इज गवर्न बाई इंडिया ठीक है कैपिटल मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कैपिटल लगाकर उसको बूस्ट करना दो तरीके से एक तो कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू और एक, एक उसमें इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन करके दो तरीके से करता है थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड एडुकेट लिक्विडिटी इन द कैपिटल मार्केट या आपका स्टॉक मार्केट है तो जो आपका टू मार्केट कैपिटल मार्केट है उसमें आपका प्राइमरी मार्केट जो आपका प्राइमरी मार्केट क्या होता है आपकी सिक्योरिटीज पहली बार इशू हो रही है मार्केट में ठीक है क्या हो रही है आपकी सिक्योरिटीज पहली बार इशू हो रही है ठीक है प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम इश्यू न्यू इश्यू मार्केट मतलब जब भी कोई कंपनी जैसे एल है एल ने क्या किया अभी अभी आईपीओ इशू किया आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बार कोई कंपनी अपना मतलब सिक्योरिटीज को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती है तो वो क्या होता है आईपीओ ठीक है और यहाँ जो प्राइमरी मार्केट है पहली बार कंपनी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटी लिस्टेड कराती है एंड देन वो अपने पब्लिक को इशू करती है ठीक है तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इसमें क्या होता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी मार्केट टू बिल्ड अप कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन एंड वाईज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी मार्केट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ये याद रखेंगे आप सभी कि प्राइमरी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी क्या क्या है प्राइमरी मीन्स न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मीन्स आपका क्या होता है सेकेंडरी मीन्स ओल्ड सिक्योरिटीज है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ऑफ ओल्ड सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट जो है आपका ये आपका ओल्ड है थ्रू शेयर मार्केट एक होता है थ्रू शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस और एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट ओ मैंने आपको बताया था कि ओ इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक था वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक था नेस्टेक जो यू एस ए का है नेस्टडेक वो नाइनटीन में बना इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बना ओ ठीक है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 से ठीक है और ये इसका जैसे बोल्ट है हम आगे पढ़ेंगे बी एस सी एन नाइनटीन ठीक है आगे पूरा है डिटेल में डोंट नोट डोट पे ठीक है तो प्राइमरी देखा आपने कैसे होता है आप प्राइमरी के डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी कैसे इशू करता है पब्लिक इशू प्राइमरी में एक तो आईपीओ आईपीओ का मतलब पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर आ है। तो -णार -णार रहा है और आई का मतलब फॉलो ऑन फॉलो अप पब्लिक ऑफर ठीक है पहली बार कोई सिक्योरिटी आपने इशू करी थी उसी को फॉलो कर रखा है उसी चीज को तो आप देखो इसमें क्या आया एक तो आता है फ्रेश इशू और एक हुआ आपका ऑफर फॉर सेल इसमें भी आपका फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू में क्या है कंपनी डायरेक्टली इशू कर देती है पब्लिक को डायरेक्टली पब्लिक से अपने फंड्स को रेज कर रही है एंड थ्रू जो ऑफर फॉर सेल है इसमें कंपनी पहले इशू करती है प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू मतलब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देखो एक तो अगर आप पब्लिक को इशू करोगे तो फंड रेज करने में टाइम लगता है और कंपनी को फंड जल्दी चाहिए तो कंपनी क्या कहती है कि जैसे मान लो ये रिलायंस है रिलायंस कहती है कि भाई हम ना जैसे एच डी एफ सी एक मिडलमैन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या मुथूट फाइनेंस इसी तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको इशू कर देते हैं और ये फिर बाद में ये इनको खरीद के इनसे इकट्ठा पैसा ले लिए धीरे धीरे पब्लिक में इशू करते रहते हैं समझ में आ गई बात तो ये क्या होता है ऑफर फो सेल कि आप सेल का ऑफर है आपके लिए तो इसमें तो फ्रेश इशू में डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट हो गए एंड ल ट्रू थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट इस तरीके की चीजें आएंगी इसमें यह पोलो पब्लिक एफ पी ओ का मतलब होता है ऑफर है भाई अदर नहीं है ऑफर आई पी ओम क्या है ऑफर ठीक है ये आपका भाई आई पी ओ और एफ पी ओ पब्लिक इशू करने का एक होता है आपका राइट इशू राइट इशू का मतलब क्या होता है कोई बताए व्हाट इज राइट इशू या राइट right शेयर बताओ भाई बताओ कर रहे थे राइट इशू जब आप कोई कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर इशू करे पहला राइट उन्हीं का होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कि कभी उसी कैटेगरी के जो शेयर इशू हो रही है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लो वो लेना चाहते या नहीं उनको पंद्रह दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है वो लेंगे तो ठीक है उनका रिप्लाई नहीं आया तो ये माना जाएगा वो इंटरेस्ट नहीं है

हजार रुपए ले ली इस राइट के देने के बदले तो क्वेश्चन आता है कि ये कहां रिकॉर्ड होगा इसको बोलते हैं ऑफ पहले कंपनी allot, तो में? में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी प्राइवेट है इनका सब कुछ रीनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट ठीक है रिनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट जब आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना राइट ऑफ अलॉटमेंट किसी और को दे देता है ठीक है एंड आपके पास आया क्या बोनस बोनस क्या होते हैं और बताओ इस पर हाँ ये क्या होता है ये भी आपके किसको को इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने रुपए में होते हैं भाई कितने रुपए में होते हैं हाँ जी फ्री आउट मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है इसकी नील होती है और इसका इम्पैक्ट जैसे हमने बताया है कि आपके रिजर्व एंड सरपलिज तो हो जाएंगे कम और क्या बढ़ जाएगी कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी कैश पर क्या फर्क पड़ेगा हाँ जी बताओ क्या फर्क पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश पर और बैलेंस शीट के टोटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना लाइवलिटी साइड ना एसेट साइड सिर्फ रिजर्व कम हुए और क्या बढ़ गए कैपिटल बढ़ गए ठीक है तो ये होता है एक आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अभी लिखा था ऑफर फॉर सेल तो इसी तरीके से आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि आप अपना शेयर किसको पब्लिक को इशू ना करके किसको इशू कर रहे हैं किस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक है किसको कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव क्या कि जल्दी से जल्दी उसको वो लेना मतलब उसको रेज करना पड़े ठीक है एक आता है इसमें प्रेफरेंशियल इशू प्रेफरेंशियल मतलब किसको प्राइमरी राइट है ठीक है एंड ये जो आपका है ओ नहीं होता हो क्वालिफाइड क्या आई पी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ठीक है या क्या आई बी ये क्या होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो परचेज करता है वो होता है क्या हुआ आई ठीक है प्लेसमेंट और एक होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम तो ये देखेंगे, तो देखेंगे सारा डिटेल में कैसे कैसे काम करता है क्या हुआ वाई बी तो बायर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो कौन होते हैं जो सेबी उसको अप्रूव कर देता है ठीक है और ये उसके थ्रू उनको अगर अलॉट कर रहे तो वो हो गया प्लेसमेंट मतलब क्वालिफाइंड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट कर रहे हो तो वो क्या हो गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ठीक है और एक आपका आईडीआर इंडियन डिपोजिट रिसिप्ट देखो पब्लिक इशू में आपने पढ़ा था अभी की एक रेजिंग फंड है फ्रॉम रिटेकिंग ऑफ दिक्योरिटी कंपनी टू दी मतलब पब्लिक से आप पैसा ले रहे हो ठीक है पब्लिक एक आपने पढ़ा था इनिशियल पब्लिक ऑफर और एक आप offer, uh, follow of, follow of, आपका पब्लिक ऑफर फॉलो ऑफ फॉलो अप आपका पब्लिक ऑफर फॉलो ऑन या फॉलो अप अपने देखो फर्स्ट टाइम अगर इशू कर रहे हैं अनलिस्टेड होगी मैंने क्या कहा था पहली बार कोई कंपनी लेके आ रही है जैसे एल ने पहली बार अपने शेयर इस पर लिस्ट करा लिस्ट कराए हैं लिस्टेड कराए हैं तो ये क्या है अनलिस्टेड कंपनी आइदर फ्रेशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक है और कर्म स्कीम और ऑफर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टू पब्लिक इट इज नोन एंड आईपीओ पहली बार कोई भी कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स को लिस्ट करा ली रजिस्टर्ड करा दी ठीक है पह, देखो ये क्या था जो आपका ये तो था फर्स्ट टाइम अब आया फॉलोअप ये क्या होता है आपका फर्दर इशू है पहले जो इशू हो चुकी है ना ऑलरेडी जो आपकी है उसी का फिर क्या होगा रिकोगनाइज के थ्रू दोबारा से इशू कर दिया ठीक है इसको क्या बोल दिया आपने आईपीओ ऑलरेडी इशूड ऑ सिक्योरिटी गो ट्रांसफर आईपीओ प्रोसेस इज कॉल्ड एफपीओ ठीक है क्या बोलोगे एफ बात समझ में आई आईपीओ और एफपीओ भाई ओ हाँ जी ठीक है उसके बाद आया आपके पास आपने पढ़ा था कैसे कैसे आप करते ऑफर फॉर सेल देखो ये आप क्या करती है कि इंटरमीडिएट के थ्रू जैसे मैंने बताया प्राइवेट प्लेसमेंट बैंक्स इनके थ्रू अगर आप कर रहे हो तो ऑफर फॉर सेल ये बेसिकली क्या करते हैं मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो एक इनको परचेज कर लेते हैं इन्वेस्ट बैंक परचेज कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से होते हैं देखो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं इनका काम है इन कंपनी को बताना कि किन को इन्वेस्ट करना है सॉरी किन को शेयर इशू करना है कितनी क्वांटिटी करना है कब करना है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है आपकी सर्विस सर्विसेज देना है देता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी कब इशू करनी है आपकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू क्या है ठीक है मेरी बात समझे हो मैं क्या बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं इनका ये नहीं कि लोन प्रोवाइड करते हैं इनको ये क्या करते हैं ये करते हैं ऑन द क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देते हैं कि भाई आपको इतने शेयर अलॉट करने हैं इशू करने हैं इतने ये इस टाइम पीरियड पे अलॉट करने हैं इस इतने पर इशू करने हैं इस तरीके की सर्विसेज देते हैं बात समझ में आई तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक एक मर्चेंट बैंक ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मर्चेंट बैंकर्स तो ठीक है तो ये क्या होते हैं ऑफर फॉर शेयर इनको अवेलेबल करा के और आगे ही फिर सेल कर, करवाते हैं इस तरीके से अब पब्लिक इशू देखो ऐसे होता है अभी आपने पढ़ा ये देखो ऐसे इशू करते हो आप एक तो होता है फिक्स प्राइसिंग मेथड और एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस हम मतलब कैसे कैसे इशू करते हैं प्राइसिस में फिक्स प्राइसिस में कंपनी ने एक प्रोस्पेक्ट्स बनाया प्रोस्पेक्ट्स के भी टाइप पढ़ेंगे हम अभी प्रोस्पेक्ट्स बनाया और प्रोस्पेक्ट्स में बता दिया कि हमारा सेल्स है सौ रुपए का इतने पर हम इशू करेंगे ठीक है फिक्स प्राइस बता दिया बुक बिल्डिंग में आपके प्राइसिस होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते हम उनको बिड देते हैं बिड मतलब एक प्राइस बैंड देते हैं कि मिनिमम मिन, मिनिमम मिनिमम प्राइस सौ रुपए मैक्सिमम वन फिफ्टी और आप लगाइए बिड बिड लगाने के बाद जहाँ पर भी आता है ना मतलब जो भी वो एक बुड एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो देखता है कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है एंड देन आपकी उसको बोलते हैं बुक रनर बुक रनर का काम होता है कि कितनी हमारे पास डिमांड है और कितने शेयर प्राइसेस लगाएँ एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो प्राइसेस फिक्स करके फिर बुक पूरी की पूरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी हो सकती है ट्वेंटी फाइव भी हो सकती है सेवेंटी फाइव भी हो सकती है वो देखेंगे तो ये पूरा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है अब हम क्या पढ़ रहे हैं फिक्स प्राइसिंग में इसमें कंपनी बता देती है कि आपका एक पब्लिक इशू करने से पहले कितने शेयर्स होगा और जो भी पैसा है वो जैसे आपने पढ़ा है कि मान लो सौ रुपये का शेयर्स है तो एक तो अप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको पता है एंड देन आपका कॉल्स के थ्रू आपका पैसा आता है याद रहे कि जब भी कोई अप्लीकेशन पे पैसा आता है तो कम से कम एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट और टोटल इशू आपके पास आना चाहिए सौ रुपए का किया ना तो मिनिमम आपके पास पच्चीस रुपए या इससे ऊपर आपका एप्लीकेशन पे आ जाना चाहिए ये। तो ये होता है आपका फिक्स प्राइसिंग में बुक बिल्डिंग में आपका होता नहीं है अब आती है प्रोस्पेक्ट अब देखो आप क्या करते हो जो भी कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती है अपने जो प्रोस्पेक्ट्स को होती है अपना जो प्रोस्पेक्टस होता है पब्लिक इशू करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्ट क्या है विच कंटेन्स ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कंपनी का आपको पता है क्या है? क्या, है? क्या है? उसका नाम हेड ऑफिस डायरेक्टर प्रमोटर जो भी है सारे के सारे बता दिए सारी इंफॉर्मेशन होती है कितने शेयर इशू करने कब करने ये सब इसीलिए प्रोस्पेक्ट्स में होती है टाइप कौन कौन से है प्रोस्पेक्ट्स के देखो सबसे पहले आया आपका शेल्फ प्रोस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका सारा शेयर प्रोस्पेक्टस क्या है आपका इस वर्ड को समझ लीजिए मल्टीपल इशू देखो आज आपने शेयर इशू किए हो सकता है दो महीने बाद फिर कर रहे हो फिर कर रहे हो आप इशू तो कंपनी क्या करती है एक ही तरीके का प्रोस्पेक्ट बना लेती है बस उसमें नंबर ऑफ शेयर्स और डेट चेंज कर देती है बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी सेम रहती है लाइक योर कॉलेज प्रोस्पेक्टस बस सारी की सारी डिटेल सेम है बस हर साल की डेट ऊपर दो हज़ार इक्कीस बाईस लेकर ऊपर टेप लगा देते हैं कि ये है तो ये क्या हुआ आपका ये क्या हुआ शेल प्रोस्पेक्टस जब कोई कंपनी एक ही तरीके के मल्टीपल शेयर्स मल्टीपल टाइम शेयर इशू करे और उसमें दो प्रोस्पेक्टस इशू करे तो कौन सा होता है शेल प्रोस्पेक्टस हाँ जी आया समझ में हाँ जी स्टूडेंट्स ठीक है उसके बाद आया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये होता है बुक बिल्डिंग के केस में किसमें होता है बुक बिल्डिंग के केस में बुक बिल्डिंग में क्या होता है इस प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टस में सब कुछ होता है बस एक चीज को छोड़ के क्या प्राइस प्राइस की जगह क्या होता है प्राइस की जगह क्या होता है प्राइस बैंड ठीक है क्या होता है प्राइस बैंड बैंड नहीं है बैंड प्राइस बैंड नंबर नो प्राइस गिवन ओनली प्राइस बैंड इज गिवन ठीक है प्राइस बैंड दिया होता है ठीक है एक होता है आपका आरब्रिज प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जब भी कोई कंपनी आपका फंड रेज कर रही है आप कहोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये तो जितनी बार भी आपको पब्लिक इशू करेगी ना कंपनी इशू करेगी उतनी बार नया बनेगा और अगर आपने एक ही प्रोस्पेक्टर एक ही टाइप के शेयर्स के लिए मल्टीपल यूज के लिए रख दिया तो यही प्रोस्पेक्टर शेल प्रोस्पेक्टर बन जाएगा ठीक है इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है पर जितनी बार आप इशू करोगे उतनी बार नया बनेगा और यही प्रोस्पेक्टस अगर इस तरीके से बना दिया कि एक ही प्रोस्पेक्ट बार बार यूज होगा तो हो जाएगा प्रोस्पेक्टर्स। बुक बिल्डिंग के केस में रेड हेरिंग ठीक है अब देखेंगे हम डिटेल में आगे क्या होता है एक होता है डीम्ड डीम्ड का होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कैसे देखो अभी आपने पढ़ा था ऑफर फॉर सेल ए प्रोस्पेक्टस इश्यू इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल कंपनी अलोट एनी शेयर विद ए व्यू दिज बींग ऑफर टूर सेल टू दब्लिक देखो मैंने क्या कहा कि पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट करा दिए ठीक है अब जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला एक उसको ना कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास शेयर रखना पड़ता है जिसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड जब वो इशू करेगा जब वो आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट वो इंस्टीट्यूशन वो आगे इशू करेगा तो उसको क्या चाहिए कि वो भी तो कोई डॉक्यूमेंट रेडी करेगा ना तो वो क्या माना जाएगा कि जब कंपनी प्राइवेट ऑफर फॉर सेल के केस में उनको जो प्रोस्पेक्टिस इशू कर रही है तो होता था डीम्ड प्रोस्पेक्ट्स और फिर वो क्या करते हैं वो आपका ना एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स इशू बना के कंपनी के नाम पर वो आगे इशू करते हैं मेरी बात समझ रहे हो अभी मैंने क्या कहा कि पहले कंपनी ने उनको इशू कर दिया उसके बाद वो बना के कंपनी के बिया पर आगे इशू करेंगे जिसको हमने कहा गया ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट ठीक है तो ये वो आपका डीम्ड प्रोस्पेक्ट एक आपने पढ़ा कौन सा शेल मल्टीपल यूज के लिए रेड इयरिंग आपका बुक बिल्डिंग के केस में आपने पढ़ा आरब्रिज जो जितनी बार भी इशू करेगा सारी के, के केस में होगा और आपने पढ़ा डीम प्रोस्पेक्ट जो कि आपकी ऑफर फॉर सेल के, के केस में आपका यूज़ होता है ठीक है स्टेटमेंट इन ल्यू ओन प्रोस्पेक्ट ये आपका बोल सकते हो आपका इशू टू से पब्लिक आफ्टर लॉक इन पीरियड मतलब अभी बताए ना लॉक इन पीरियड कौन का इशू करेगा लॉक इन पीरियड के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट की जो भी कंपनी है फाइनेंशियल हाउसेज जो यही ये, ये होता है ठीक है आपका क्या है कंपनी इशू शेयर फाइनेंशियल हाउसेज इनको करती है दे फिल इशू शेयर टू दी पब्लिक ऐसे होता है ठीक है ये थोड़ी सी आर इसमें टाइपिंग में पहले क्या किया मैंने बताया आपको कंपनी कम, ने उसको दे दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहला स्टेप हो गया फाइनेंशियल के इंस्टीट्यूशन के केस में उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट दे दिया जिसमें वो बोलते स्टेटमेंट इन ल्यून प्रोस्पेक्टस लॉक इन पीरियड कंप्लीट हुआ कंपनी ने पब्लिक को इशू किया जिसमें आपका आया डीम्ड प्रोस्पेक्ट ठीक है तो इस तरीके से आपका होता है इसमें अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में देखो ये बिल्कुल आपकी प्रोसेस है बिल्कुल आराम से समझना कंपनी ने पहली बार क्या किया पब्लिक को आपका प्रोस्पेक्ट इनवाइट किया और इनवाइट बिड बिड मतलब कि लगाओ भाई हमारे से इसकी क्या प्राइस देना चाहते हो और कितनी चाहिए कंपनी एक पर्सन को रिक्रूट करती है अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं लीड बुक रनर इसके अंदर ना बहुत सारे काम लोग काम करते हैं जिसको बोलते हैं सिंडिकेट मेंबर ये बुक रनर मेन पर्सन होता है इसी के डिसीजन चलते हैं ये ओवर परसेंट लगा सकता है एनसीज कराने के लिए ये अपॉइंट कर दिया ये एप्लीकेशन मनी को लेता है एक्सेप्ट करता है ठीक है बुक रनर आपका जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट होता है विद रजिस्टर इसको फाइल करता है इसमें क्या होता है ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी आपके ना इसमें आ, सारी चीज़ें होती है लेकिन प्राइस के अलावा और रजिस्ट्रार को दे है आप ठीक है बुक रनर ड्राफ्ट ड्राफ्ट एंड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट मतलब ये बनाता है री हेयरिंग प्रोस्पेक्टेस को कंपनी इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड आपका जो ब्रोकर्स होता है उनको इशू इशू कर देती है फाइनल कट ऑफ बन गई फाइनलाइज होती है विद द हेल्प ऑफ बुक रेलर एंड मैनेजर ठीक है और उसके बाद क्या होता है कम, इसके दो अकाउंट बन जाते हैं इसमें मेरी बात समझ में आ गई आपको कि एक निकाल के आपने आगे इशू कर दिया अब देखो इसमें क्या होता है दो अकाउंट हो, होते हैं वन इज फॉर रिसीविंग पेमेंट्स अमंग फ्रॉम द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ये देखा जाएगा पब्लिक से कितना आया आपके पास एंड दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट से कितना आया तो उसी के अकॉर्डिंग आपके प्राइस डिसाइड होते हैं ठीक है और फिर क्या होता है फाइनल प्रोस्पेक्ट सबमिट हो जाता है रजिस्टर के पास ये ड्राफ्ट था और ये फाइनल आ गया फिर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हो गया और सिक्योरिटी को रजिस्टर्ड करा दिया तो ये पूरी प्रोसेस होती है ठीक है भाई समझ में आया बुक बिल्डिंग प्रोसेस हाँ भाई समझ में आया बुक बिल्डिंग प्रोसेस प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपका अलग अकाउंट ओपन होगा और आपके जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपका अलग अलग अकाउंट ओपन होगा अब ये देखो किसका कितना शेयर्स होता है बुक बिल्डिंग में जो शेयर्स होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे आप और हम तो ये देखो 35 परसेंट मिनिमम होता है पब्लिक इशू का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये आपका फिफ्टीन होता है और आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का फिफ्टी तो हो गया ना हंड्रेड और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं मैंने अभी बताया कि जो अप्रूव होते हैं से क्वालिफाइड लाइक मर्चेंट बैंक आपके कितने थर्टी फाइव नॉन इंस्टीट्यूशनल आपके फिफ्टीन परसेंट और आपके क्वालिफाइड में आ गए फिफ्टी परसेंट तो ये आपका हंड्रेड परसेंट आपका अलॉट होता है तो ये एक आपकी कैटेगरी है नेक्स्ट आया आपका राइट इशू राइट इशू आपका कंपनी जैस सेक्शन सिक्सटी टू सेक्शन वन कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर आता है राइट के इशू के बारे में मैंने बता दिया है क्या होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके प्रोराटा बेसिस पर अलॉट होता है ठीक है कोई भी कंडीशन क्या है जब भी कोई कंपनी बनती है ना उसके दो साल तक कंपनी फॉर्मेशन तक आप राइट इशू नहीं कर सकते या फिर आपका जो फर्स्ट इशू हुआ है ये एक ईयर ये, मतलब फर्स्ट वन ईयर आफ्टर फर्स्ट इशू मतलब जो आपका फर्स्ट इशू है उसके एक साल के बाद आप इशू कर सकते हो मेन इस कंडीशन पे जाइए आप ठीक है मेनली कंडीशन क्या है कि जब पहला इशू है ना उसके एक साल के बाद ठीक है

जो आपके शेयर होल्डर है वो चाहे तो ले ले ना चाहे तो ना ले और अगर वो ये भी चाहते हैं कि वो अपना दे सेल देयर राइट टू अदर पार्टनर अदर कोई भी जो आपके इन्वेस्टर्स है उसको भी दे सकते हैं मैंने अभी बता दिया जिसको बोलते है रिनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट तो ये प्रोसेस होती है इसमें एंड द बोनस शेयर्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ये भी पूरा डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि आप फ्री रिजर्व शेयर प्रीमियम अकाउंट शेयर और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यहाँ से बना सकते हो एग्जिस्टिंग आपके जो शेयर होल्डर को विदाउट एनी कॉस्ट आप इशू कर सकते हो एक बात ध्यान से सुनना मेरी आप बोनस इसलिए इशू कर रहे हो क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी नहीं है लेकिन इसको ये नहीं कह सकते आपकी कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया ये बात आप समझिए साइकोलॉजिकली कंपनी ने डिविडेंड दे दिया डिविडेंड के रूप में दे दिया बट आप इसको ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि कंपनी इशू फाइव शेयर ईच शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड ये कहीं नहीं लिखे मिलेगा बात समझना मेरी मैंने क्या बताया आप बोनस शेयर को डिविडेंड की जगह इशू नहीं कर सकते लेकिन होता ऐसे है कि कंपनी की जब भी लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी हो नहीं होती तो कंपनी क्या करती है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो शेयर इशू करती थी। है बस ठीक है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं इसको और इफेक्ट अभी देखा कि ऐसा साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिजर्वस कम होते हैं कैपिटल हाई हो जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट आपको अभी मैंने बताया कि कंपनी अपने पब्लिक ऑफर की जगह आप क्या करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं जो भी फोर्टी नाइन परसेंट तक आपका है इसको इशू कर सकते हैं फाइनेंशियल हाउसेज को इसमें आपके बड़े बैंक्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है कौन करते हैं सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बात समझ में आ गई हाँ जी उसके बाद आया कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आता है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो आपका सेक्शन 42 की सेक्शन 42 की आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कंपनी जैक्ट की ठीक है और इसके भी जो आपके है प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकता है आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंशियल वही आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो प्रेफरेंशियल बैक्स जो सेलेक्टिव ग्रुप है ना उसमें से किसको प्रेफरेंस दे रहे हो लाइक दिस ठीक है क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन अभी मैंने बताया था क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं कोई भी प्र आपको आ, आपको फाइलिंग्स आपको नहीं करनी है सीधा आप इसको इशू कर सकते हैं और आपका इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या वो बी को आप इन, वो कर सकते हैं ठीक है एक होता है आपका आई डी आर इंडियन डिपोजिट रिसिप्ट ए डी आर जी डी आर ए डी आर जी डी आर में क्या होता है इंडियन कंपनी बाहर के वहाँ से पैसे अरेंज करती है आईडीआर में फॉरेन कंपनी ठीक है व्हाई आइडियंस फॉरेन कंपनीज आर अनेबल टू रेज फंड्स थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है मेरी बात समझ में आई आईडीआर में क्या हो रहा है आईडीआर में कोई फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से स्टॉक मार्केट से फंड्स को रेज कर रही है. तो ये भी क्या आपका प्राइमरी मार्केट में आपका पार्टिसिपेट करेगा ठीक है आई बात समझ में हां जी ये फुलफिल कंडीशंस होनी चाहिए ठीक है तो ये था भी आपका प्राइमरी मार्केट समझ में आया रही प्राइमरी मार्केट